तो आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहले 4.1 से या के पास है और एक अपवाद रूप केस में को है। चार केस हो सकते हैं, मुझको है, हमको है, तुमको है, तुझको है। मेरे पास है आज का हमारा मेन कीवर्ड है, उसके दो वर्जन है, मुझको है या मुझे है। से, के पास है या को है, ये हमारे तीन है मेन कीवर्ड। और वाक्य के लास्ट में जो होता है वो है काल का मेन आइडेंटिफिकेशन, जो बदलता रहता है। हिरन का ह हाजिर मतलब प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, नहीं है मेरे पास नहीं है मतलब नेगेटिव। एग्जाम्पल लेते हैं, उसके पहले किसके साथ कौन सा रूप यूज में आता है वो देख लेते हैं। आई, वी, यू, दे चार के साथ हैव, हैवंट, और ही शी इट फैमिली जो है पूरा। ही शी इट कोई एक व्यक्ति का नाम, कोई एक संबंधी, कोई एक प्राणी, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नो वन, उसके साथ हैज और नेगेटिव हैजंट। ओके, नेगेटिव बनाने की एक दूसरी रीत है डोंट हैव, डजंट हैव, लेकिन वो अभी हमें यूज नहीं करनी है। हैव, हैवंट, हैज, हैजंट। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेरे पास एक पेन है, तो मेरे पास और है मतलब प्रेजेंट टेंस। आई और हैव दोनों को साथ में रखेंगे, आई हैव अ पेन। ख्याल ये रखना है कि एक वचन है तो आर्टिकल ए या एन रखना है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उससे दो सिंग है। उससे, अब सिंग किसको होते हैं, प्राणी को। तो प्राणी के लिए हम सर्वनाम कौन सा सीखे हैं, इट। वो ही शी इट कैटेगरी में है, इसके लिए हैस। इट हैज टू हॉर्न्स। सिंग मतलब एच ओ आर एन और उसका बहुवचन है एच ओ आर एन एस। मेरे दो भाई है, आई हैव टू ब्रदर्स। ब्रदर्स बहुवचन है, आगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर फोर, आपके भावनगर में कई दोस्त है। तुम्हारे है मतलब यू हैव। आई, वी, यू, दे चार के साथ या फिर एक से ज्यादा व्यक्ति या संबंधी है तो उसके साथ आएगा हैव। यू हैव मैनी फ्रेंड्स इन भावनगर। आपको सिर दर्द है। तुम्हें है मतलब यू हैव। तुमको है तो भी यू हैव। तुमसे है तो भी यू हैव। यू हैव हेडेक। सिर दर्द के लिए क्या है, हेडेक। यहाँ पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है उसके स्पेलिंग की वजह से, एच ई ए डी ए सी एच ई, हेडेचे पढ़ना कई लोग गलत से करते हैं, सही है हेडेक। हेडेक मतलब सिर दर्द। ओके, उससे पीलिया है। पीलिया मतलब आपको ख्याल होना चाहिए जे ए यू एन डी आई सी ई, जॉन्डिस। स्त्री है इसलिए शी है मतलब शी हैज जॉन्डिस। अब थोड़ा अलग है, मुझे तुझसे थोड़ा महत्वपूर्ण काम है। मुझे है मतलब आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क विथ यू। देखो यहाँ आपका काम है मतलब ऑफ यू मत बोलना, और ऐसे नहीं बोला जाता, विथ यू। ओके, अब थोड़े प्रश्न लेते हैं, आपके पास कोई लाल पेन है, प्रश्न करना है तो हैव या हैज आगे लेना है, मतलब हैव यू एनी रेड पेन। हाँ मेरे पास एक लाल पेन है मतलब यस आई हैव अ रेड पेन। ना मेरे पास कोई लाल पेन नहीं है मतलब नो आई हैवंट एनी रेड पेन। नेगेटिव आंसर जब देते हैं तो एनी रखने से ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। दूसरा प्रश्न बनाते हैं, उसके पास कोई कैमरा है। उसके पास मतलब हैज आ गया है, हैज ही एनी कैमरा।
जवाब देना है कि हाँ, उसके पास एक डिजिटल कैमरा है। Yes, he has a digital camera. Next and last. यहाँ उसका कोई संबंधी नहीं है। Hasn't she any relative here? संबंधी मतलब रिलेटिव आपको पता है। हमें ना बोलना है। No, she hasn't any relative here. अकेला हियर या ओवर हियर, दोनों में से कोई एक बोल सकते। हैव का अर्थ खाना या पीना भी होता है, जैसे कि मैं हर सुबह चाय पीता हूँ। I have tea every morning. वो रोज कॉफी पीती है। She has coffee every day. हम 9 बजे डिनर लेते हैं। We have dinner at 9 o'clock. अब अगर हिंदी वाक्य में परिस्थिति इससे उल्टी है, मतलब निर्जीव वस्तु का उल्लेख आगे है, तो have या has यूज नहीं होते। इस परिस्थिति में प्रयोग होते हैं to be और with। जैसे कि आज बाइक मेरे पापा के पास है। The bike is with my papa today. चाबी सर के पास है। The key is with sir. तेरी बुक मेरे पास नहीं है। Your book isn't with me. टिकट्स रोहन के पास है। Are tickets with Rohan? लैपटॉप आज तेरे पास नहीं है। He isn't laptop with you today. मेरा मोबाइल किसके पास है? With whom is my mobile? जिस टॉपिक की आपको प्रैक्टिस करनी है उसके नीचे लिंक दिया गया है, उसको क्लिक कीजिए। एक PDF फाइल ओपन हो जाएगी, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो सेंटेंस दिए गए हैं इन सभी का आप इंग्लिश कीजिए, कमेंट में आंसर लिख के दिखाए। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट्स में ही सॉल्व कर देंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, और आपका जो सुझाव है वो कमेंट्स में लिख कर दिखाइए। अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन क्लिक कीजिए और उसमें ऑल का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कीजिए। इसी तरह वीडियो देखते रहिए, नॉलेज बढ़ाते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पॉजिटिविटी फैलाते रहिए। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी।